अभी मोरबी में हादसा हुआ, जिस कंपनी ने वो ब्रिज बनाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए नहीं चाहिए? उसका नाम भी नहीं डाला एफआईआर के अंदर, उसका नाम भी नहीं डाला, कंपनी का नाम भी नहीं डाला, मालिक का नाम भी नहीं डाला, उसको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? दुख होता है, 150 लोग मारे गए, उन 150 लोगों में 55 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? अपने ही तो थे वो, अपने ही बच्चे तो थे, अपने ही भाई बहन तो थे, आज उनके साथ हादसा हुआ कल हमारे साथ भी तो हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, आज उनका ब्रिज टूटा कल हमारा ब्रिज टूट सकता है। 27 साल आपने दिए उनको, 5 साल मुझे दे दो, 5 साल मांगने आया हूं, 5 साल से ज्यादा नहीं मांग रहा। अगर मैं 5 साल में काम नहीं करूं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आप लोगों से। हेलो 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 हेलो, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। केम छो, मजा मां? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू। आप लोगों से इतना प्यार मिला मुझे, इतना प्यार मिला, पिछले कुछ महीनों से मैं गुजरात आ रहा हूं, लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, लोग मुझे भाई बोलते हैं, बुजुर्ग मुझे बेटा बोलते हैं, गुजरात के लोगों का मैं भाई बन गया हूं, अब आपके परिवार का हिस्सा बन गया हूं। तो आपको मैं वचन देके जाता हूं, गुजरात चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे, महंगाई बहुत हो गई कि नहीं हो गई? सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। 1 मार्च के बाद आपको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है, आपके बिजली के बिल आपका भाई भरेगा। आपके सबके सभी परिवारों के बिजली के बिल मैं भरूंगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आएगी, 0 बिजली का बिल आएगा। किस किस को चाहिए 0 बिजली का बिल? सबको चाहिए 0 बिजली, ये मेरा वादा है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, गुजरात में भी करेंगे, मुझे करना आता है। आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बनवाए हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं, लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। अब दिल्ली के अंदर एक ही स्कूल में गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं। एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस का बेटा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ता है। मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। आपके बच्चों के लिए भी झंडे नीचे कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा, बच्चों के, आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। जैसे दिल्ली में मैंने इतने सारे शानदार स्कूल बनाए हैं, गुजरात की भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है, गुजरात के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे, गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर, और आपके बच्चों का अच्छा भविष्य बनाऊंगा, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए हैं, बहुत सारे प्राइवेट से भी अच्छे, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और दिल्ली के सभी लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया। 5 रुपए की गोली लेनी हो वो भी मुफ्त, और 10 लाख 15 लाख 20 लाख का ऑपरेशन है वो भी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। गुजरात में भी भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होगा पैसे की चिंता मत करना, आपके आपके लोगों का इलाज की जिम्मेदारी आपके भाई की है, मैं इलाज कराऊंगा, खूब सारे हॉस्पिटल खोलेंगे, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इसकी मैंने पूरी प्लानिंग करी है गुजरात की। अपने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, बहुत है बेरोजगारी, इन्होंने रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया आपके बच्चों के लिए। मैंने 5 साल में दिल्ली में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाया, 12 लाख बच्चों को मुझे रोजगार दिलाने आते हैं। गुजरात में भी आपके बच्चों के रोजगार का इंतजाम करूंगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा हर महीने। आपसे एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, लच्छेदार भाषण देने नहीं आते, आपके काम की बात कर रहा हूं, आपकी दवाई की, आपके स्कूल की, आपके बच्चों की, आपकी शिक्षा की, आपकी बिजली की, आपकी सड़क की, वो सारे काम करने आते हैं। गुंडागर्दी करनी नहीं आती मेरे को, शरीफ आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, अगर गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना, उनको वोट दे देना। 27 साल से गुंडागर्दी चल रही है और क्या चल रहा है, गाली गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, गंदगी चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं करा दूं। अभी मोरबी में हादसा हुआ, जिस कंपनी ने वो ब्रिज बनाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं चाहिए, उसका नाम भी नहीं डाला एफआईआर के अंदर, उसका नाम भी नहीं डाला, कंपनी का नाम भी नहीं डाला, मालिक का नाम भी नहीं डाला, उसको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, दुख होता है। 150 लोग मारे गए, उन 150 लोगों में 55 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, अपने ही तो थे वो, अपने ही बच्चे तो थे, अपने ही भाई बहन तो थे, आज उनके साथ हादसा हुआ, कल हमारे साथ भी तो हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, आज उनका ब्रिज टूटा कल हमारा ब्रिज टूट सकता है। 27 साल आपने दिए उनको, 5 साल मुझे दे दो, 5 साल मांगने आया हूं, 5 साल से ज्यादा नहीं मांग रहा, अगर मैं 5 साल में काम नहीं करूं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आप लोगों से, अगर मैं झूठ बोलूं अगली बार वोट मांगने, मैं जो कहता हूं बड़ी सोच समझ के कहता हूं, मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा कि 15-15 लाख रुपए दूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं दे सकता। मैं वही बोल रहा हूं जो मैं दिल्ली में करके आया हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो मैं पंजाब में करके आया हूं, मैंने दिखा दिया करके कि करना आता है, नीयत साफ है, गुजरात को भी एक साथ मिलके हम लोग आगे लेकर जाएंगे। भारत माता की। बिजली पानी ना वास्ता तब सुने हक दीवानी, शिक्षण तंत्री तक छे मुकानी, पहले शाम आदत लुट बानी, सीधो साधो जे मानस की दो आग छे आदमी। हेलो, मैं बताना, वासराम हमारे यहां से कैंडिडेट हैं, एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजा दीजिए, इनके नाम के आगे झाड़ू का बटन होगा, झाड़ू का बटन दबाना, इनके नाम के आगे बटन दबाना और इतना बटन दबाना सबसे ज्यादा मार्जिन से इनको जिता के भेजना है। कहा सरकार
आज हम फर्श